नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता बंधन सर्व साधुवा प्राणायाम पारं गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम पूज गुरुदेव रोहन बाबा को मेरा शुभारंभार प्रणाम प्रणाम। तो गुरु चंदन हमने बरी और गोरे अमृत हम कीच जहाँ गुरु के चरण हों वहाँ दास को शीश। चलते हैं हम प्रभु के चरणों में शब्द रूपी पुष्प अर्पण करते हुए। ये शिवम स्टूडियो भदाना जिला फिरोजाबाद, जिनके रिकॉर्डिंग करता है सुदीप शर्मा जी और मेरे साथ ढोलक पर साथ दे रहे हैं गोविंद भैया, किला इट्टा ग्राम भगीपुर, चिमटा पर साथ दे रहे हैं अजय कुमार, गढ़ा पर साथ दे रहे हैं शेखर भैया ग्राम नौकासपुर। तो चलते ही प्रभु के चरणों में शब्द रूपी पुष्प अर्पण करते हुए। कि ओरे बना बारी तेया सा लगी मन में ओरे बना बारी। ओरे बना बारी तेया सा लगी मन में ओरे गिरधारी तेया सा लगी मन में। द्रौपदी को घेरा जब घेरा बाहर बनी द्रौपदी को घेरा जब घेरा बाहर बनी द्रौपदी को हे करी नया बारी और चीर बड़ो फलानी ओरे बना बारी तेरी आशा लगी मन में। और ओरे बना बारी तेरी आशा लगी मन में ओरे गिरधारी तेरी आशा लगी मन में। रामागर से चिट्ठी आई घबराए नरसी रामागर से और रामागर से चिट्ठी आई घबराए नरसी रामा। और करे नया बारी और भात भर पलानी और गिरधारी। दीन दयाल सुनी जब से मन मेरे में ऐसी बसी और नाम त्याग दया प्रभु प्यारे नाम की भेंट कसी। अब तो नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में मीन फसी और ये सिकरा जमिला जरे प्रभु प्यारी हसी। सभा में उपस्थित हमारे बाहर से आए हुए पिता व माताएं, आज शक्ति पर पलने वाली सीता सावित्री जैसी बहनाएं, भारत भूमि पर पलने वाले कर्णाधार भी छोटे छोटे बाल गोपाल, इस पावन पवित्र भागवत आख्यान से लिया गया पारायण कथा लेकर के चलते हैं कि महाराज नहुष कैसे आदर्श राजा है और महाराज नहुष कैसे और किन से जन्म हुआ। तो कमल की विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि मुनि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा और पुरुरवा के महाराज नहुष। तो इनका आख्यान लेकर के चलते हैं। तुम्हारे भारत देश में कैसे कैसे राजा महाराज हुए हैं भक्तों। के नहुष जो है बड़े अभिमानी की गाथा रहत सुनाई सुना सबा के आज जो वीर लीला तुमको रहे बताई। अरे अवधपुरी के जय अवतारी हो राम को लीला रहे सुनाई, और पलमिया जो यहाँ पर भैया लीला राज रहे शरमाई, और राजा नहुष आज जो राजा मरद ध्यान बिसर नहीं जाई। दोस्तों इस समय महाराज नहुष अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो एक दिन मंत्री से कहा है, मंत्री कि ये महाराज आज मेरा मन आ रहा है कि कहीं पर बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए चलें। तो क्या हुआ है वक्तो, महाराज नहुष घोड़ा को सजाया है और घोड़ा पर सवार होकर के चलते हैं किस तरह से। तो मेरे श्री गणेश शारदा से महेश मनायो, माता पिता को सुमिरन करके घोड़ा है बढ़ायो। शारदा से महेश मनायो, महेश मनायो, घोड़ा पे भय सवार रे नए पल की देर लगायो। दोस्तों जिस समय महाराज नहुष घोड़ा पर सवार होकर के चल दिए ही, तो क्या हुआ है दर में बियाबान जंगल को प्रस्थान करते हैं। कहे कबाना ना गए तू गाय और मेरे भैया, कोई की जबान पूछे दया जाई जी। महाराज नहुष चले जा रहे बियाबान जंगल होते हुए, इधर में क्या देखा है महाराज देवराज इंद्र की पत्नी चित्रसारी केशु को शुका रही है, उनके महलों से जाकर के चले जा रहे हैं महाराज नहुष घोड़ा पर सवार। उधर में रानी इंद्राणी ने देखा ये छबसूरत राजकुमार कहाँ जा रहा है। उधर में जब महाराज नहुष की दृष्टि इंद्राणी के रूप पर चित्रसारी अटारी पर पड़े तो क्या हुआ, ऐसे कर भैया की गा सी बुरी जाति कले जो चीरी में विद्वानों ने कि छोटी पूरी कामिनी सब ही विष की बेली, छोटी पूरी कामिनी सब ही विष की बेली। शेर महार दाड़ से ये मारे हंसी के यार वो जैर कटारी पीरन पर नारी की यारी भैया सगा कटारी है। अरे सगा कटारी है गोविंद वो धोखा यारी है पीरन पर नारी वो सजा कटारी है। जैसे ही महाराज नहुष चले जा रहे तो जैसे रूप को निहारा, आज वहां से महाराज लौट चल दिए हैं। गोविंद क्या हुआ, क्या प्रेम बुरी जंगीर पीर जाए झूठ मातिर मानो, अरे प्रेम पूरी जंगीर वीर जाए झूठ मातिर मानो। कोरोना जात कचुपे सबूरी बीमारी जाए मानो भैया। भैया सुदीप दिन को पर नचेन रात को नींद नहीं आवे, अरे दिन को पर नचेन रात को नींद नहीं आवे। और कन पान जो याजक से कर दिल को नहीं भावे भैया। और पूती करन काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे, अरे बच्चों ऐसी बीमारी से और नए जात कच पे सब प्रेम प्रेम करती पर नारी से भैया, और नायजात कछुके प्रेम करती पर नारी से भैया, जब इधर में भक्तों महाराज नहुष के दिल में आज वही मनमूरत इंद्र की पत्नी की हृदय में वास कर जाती है। महाराज नहुष आ जाते हैं। महाराज नहुष ने पत्र भेजा इंद्राणी के लिए और कहा कि हे इंद्राणी कि आपको मेरे साथ विवाह करना होगा। उधर में पत्र जो भेजा है तो इंद्राणी ने पत्र को पढ़ा, तो इंद्राणी ने भी पत्र में लिखा कि हे राजा नहुष, तुम अगर मुझे अपनी दुल्हन बना करके अपने साथ ले जाना चाहते हो तो एक बात को ध्यान रखना कि आज जब मुझे दुल्हन बना करके अपने साथ ले जाओगे तो उस टोली में ब्राह्मण होने चाहिए। जब ब्राह्मण उस टोली को कंधे पर ले जाएंगे तब मैं तुम्हारी दुल्हन बन के आऊंगा। महाराज नहुष ने वही किया। क्या हुआ भक्तों? हरे सोन रानी के बिन पूप के दिल में दर दियो, गोविंद अरे सुन रानी की बात भूप को हृदय मनाना हियो, और लय पंडित बुलवाए भूपनी बिल मनाए रे पियो भैया, अरे हर बने ब्राह्मण बने जावो। महाराज नहुष ने कहा हे ब्राह्मणों, मेरी आटोली में तुमको कहार बनना होगा। अरे कहार बन डोली मेरे जावो, और हम तो दुल्हा बने पाल की इंदर घर जावो भैया, अरे हरिहर बोलो मेरे करम लेखी नहीं मिटे कर जाई लाखों चतुराई भैया, अरे हरिहर बोलो मेरे भाई, और करम लेखी नहीं मिटे कर जाई लाखों चतुराई। आज इधर में ब्राह्मण देव आ जाते हैं और उनको डोली सजा करके महाराज नहुष लेकर के चलते हैं। तो महाराज नहुष को आज ब्राह्मण देव समझाने लगे और कहने लगे हे राजन, तुम ये क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो डोली लेकर के? क्यों राजन सुन, कि जिंदगी एक किराए का घर है। हे राजन, तू इस शरीर पर क्यों अभिमान करता है? अजय कुमार, कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन जिंदगी बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मेरा जन्म मौती जब तुझको या बाजू देगी, मौती जब तुझको या बाजू देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियां, रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियां, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नाना, वक्त ऐसा भी आएगा नाना, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और हे राजा नहुष, तेरे भाई भतीजे ही तेरे, तेरे भाई भतीजे ही तेरे, जीते जीते जो छोड़ा न जाना। तेरे भाई भतीजे ही तेरे, अपनी आंगन से उठना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। महाराज नहुष को समझाते हुए डोली में लगे ब्राह्मण जा रहे हैं। महाराज नहुष कहने लगे, हे ब्राह्मणों जल्दी चलो, शर्क शर्क। उसी समय ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन तुम इतने क्यों अंधे हो रहे, पागल हो रहे पर नारी के चक्कर में। सुनो कि जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। कपड़े में दाग लग जाता है वो धोने से छूट जाता है, कुल में जो दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। गोविंद संग की चादर अरे तैसे रंग पर आई चिड़िया को और हाल में तो हंसी के बोले जे पल में करती है तुम तड़ाक। अरे जैसी नार को संगत चादर तैसे रंग पर आई क्रिया और हाल में तो हंसी की बोले और पल में करे तुम तड़ाक। अरे धोबी अरे यो सन प्यास बुझाई न बुझे तसे नीर भलो ये पानी घड़ा। गोविंद के तिरिया सात जन्म दुख पावेगी जो पति संग लगा कर है गिर तिरिया। अरे पति संग लगा करेगी होई होई पति संग लगा करेगी के तिरिया सात जन्म दुख पावेगी जो पति संग लगा करेगी। गोविंद आरे पहला जन्म मिल रे बिल्ली को पहला जन्म मिल रे बिल्ली को अरर घर घर हड़िया चोटेगी जो पति संग लगा करेगी चिड़िया। के तिरिया सात जन्म पची कामेगी जो पति संग लगा करेगी तिरिया। और शेखरिया अरे दूसरा जन्म मिल रे कपिया को के बहुत घर घर चकिया चाटेगी जो पति संग लगा करेगी चिड़िया। के तिरिया जन्म जन्म पची कामेगी जो पति संग लगा करेगी चिड़िया। महाराज नहुष कहने लगे हे राजा नहुष तुम इतने प्रेम दीवाने हो रहे हो पर नारी के चक्कर में क्यों? अरे तुम इतने बेवफा हो रहे। महाराज नहुष कहने लगे ब्राह्मणों जल्दी से डोली को आगे को ले चलो। अब क्या बोल रहे हैं आज ब्राह्मण देव आहार बन करके जा रहे हैं तो क्या हुआ? कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई कौमी अंधो गई है फूल, कामी अंदर रात दिन जगी मोती गई सब खोए। महाराज नहुष से कहा कि हे राजन, तुम इतने क्यों अंधे हो रहे हो? समझाते हुए आज ब्राह्मण देव चले जा रहे हैं। आज महाराज नहुष को जल्दी पड़ी हुई है कि सर्प सर्प सर्प। उसी समय ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, तुमको पता नहीं है मैं कितना परेशान हो रहा हूं। बूढ़े बूढ़े संत ब्राह्मण थे, डोली में लगे जा रहे हैं, उनको परेशानी हो रही और कहने लगे, हे राजन सुन, कि दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, रोते को देखा देगा तो फिर कोई तुझे रुला देगा। तुम इतने मुझे हैरान कर रहे हो और तुम कह रहे हो जल्दी चलो, मुझ पर नहीं चला जा रहा है। राजा नहुष, चेला का साथी गुरु नहीं, ना साथ गुरु के चेला है, जीवन है थोड़ा काल बनी सब ही के सिर पर खेला है। समझाते हुए आगे को जा रहे हैं। रावण का कितना कुनबा था, कोई रहा नहीं रोने वाला, पर करके जाके नहीं बिगड़ी ऐसा न कोई देखा वाला। गोविंद ही राही छोरे में नहुष को समझाते हुए जहां पर ढोले से चले जा रहे, उसी समय पर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजा नहुष, कहिए ब्राह्मणों अब मुझ पर नहीं चला जा रहा है। उसी समय पर महाराज नहुष कहने लगे, जल्दी सरको जल्दी। संत ब्राह्मणों ने श्राप दिया और कहा, हे राजा अभिमानी तू सर्प हो जा, सर्प हो जा, सर्प हो जा। और क्या लिखा है, आज संतों ने कहा है, विद्वानों ने वही समझाया है। हे सुदीप भैया, कि मोर बचन जय पर जाय फीका, और संत बचन पत्थर की का, संत बचन का। मोर बचन जय पर जाय फीका, संत बचन पत्थर की भगवान ने कहा है, भक्त मेरा दिया हुआ श्राप तो मिथ्या हो सकता है, संतों का दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता। इतना कहने के बाद में कहने लगे हैं, अब सोच में पड़ जाते हैं महाराज नहुष, आज वो अजगर बन जाते हैं। लिखा है, गोविंद के जैसा जो कोई करे अंगारी, वैसा रे पाएगा। जैसा जो कोई करे अंगारी, वैसा रे पाएगा। अरे पैरया पेड़ बबूल आम के फल क्या खाएगा। पेड़ बबूल आम के फल क्या खाएगा। अरे हरियर बोलो मेरे भाई, और कर्म लेके नहीं मिटे कर जाई चतुराई। अरे के गाता मन सुनाई दीनी, और माता पिता के चरण बेटा शीश झुकाए दीनी। जो पढ़ता है और तन सकीट में नोकसपुर मेर काम जो बसता है वीर। आरे बाले शरण अजय कुमार चिमटा पर बेटा खास हमारो है। अरे गोविंद जो ये टाके बस भैया, और टोल कर रहे बजाए सुनाई और माता पिता के चरण में हम शीश जो झुक जाई भैया। बोलिए कृष्ण भगवान की।